अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्राइम 100 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कारवान हलके में BC MBC वोकेशनल कम्युनिटीज़ के लिए 1 लाख रुपए के माली इमदाद स्कीम के चेक तकसीम का प्रोग्राम अमल में लाया गया। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में आज AIMIM कारवान MLA जनाब कौसर मोहीउद्दीन साहब ने मुगल फंक्शन हॉल पिल्लर नंबर 102 रिंग रोड पर BC MBC कम्युनिटीज़ में 285 चेक तकसीम किए। MLA साहब के साथ AIMIM पार्टी के कॉरपोरेटर, AIMIM प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगरम कारकुनान इस प्रोग्राम के दौरान मौजूद थे। पेश है हमारे नुमाइंदे शेख लुकमान की ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्लियामेंट हैदराबाद से सत्ता का होकर जाते हैं, मगर हैदराबाद के दलितों के लिए नहीं, हैदराबाद में बसने वाले BC के लिए नहीं, हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम मजहब के लोगों के लिए बात करते हैं। आप देखिए, दलितों के बारे में जो बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसी तरीके से BC के बारे में बात करते हैं और तमाम मजहब के लोगों के लिए बात करते हैं। आप तमाम से ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी स्कीमात आते हैं, चाहे गवर्नमेंट के पास रियासत तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो, ये बगैर बोले तक नहीं आते। जहाँ पर भी आपकी पार्टी का जो फ्लोर लीडर रहते हैं, वो फ्लोर लीडर के प्रेशर पर और उसकी मांग को बताने के बाद हमारी गवर्नमेंट मंजूर करती है। मगर मेरा बताने का मकसद यह है, रियासत तेलंगाना की गवर्नमेंट इसी तरीके से BC के लिए या दलितों के लिए या माइनॉरिटी बंधु के लिए नहीं दिया गया। या आपकी जमात, मेरी जमात के फ्लोर लीडर जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब ने हैदराबाद की रियासत तेलंगाना की असम्बली के अंदर ठहर कर कई मरतबा आप लोगों के ताल्लुक से, दलितों के ताल्लुक से और माइनॉरिटी के ताल्लुक से बताया कि इस तमाम BC के गरीब लोग हैं, इनको कोई ना कोई स्कीम देना चाहिए। मगर उसके बाद हमारी गवर्नमेंट के CM साहब ने मंजूर करे, उसके बाद हमारे अकबरुद्दीन साहब के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद ये BC बंधु हो या दलित बंधु हो या माइनॉरिटी बंधु हो या आपके सामने आज कहा जा रहा है। मेरा बताने का मकसद है, गवर्नमेंट आती रहती जाती रहती, मगर जो असेंबली के अंदर जो अपोजिशन लीडर रहते हैं उनकी जिम्मेदारी रहती है, बताते हैं। आज हमारी पार्टी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए आपके सिफात को लाज करने की कोशिश करी और लाज कर कामयाब नुमाइंदगी कर आपके सामने आपको इस्तीफा दे रही है। मैं आप तमाम से ये भी कहना चाहता हूँ, आने वाले इलेक्शन के अंदर आप तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, आपकी जमात, मेरी जमात MIM पार्टी के हाथ में वोट देकर आपके मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब कराना और हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भारी अच्छे तरह से कामयाब कराकर आपको पार्लियामेंट को भेजना होगा, ताकि आपके लिए दलितों के लिए तमाम के लिए काम कर सके। मैं फिर एक मरतबा यहाँ पर आए हुए मेरे BC के तमाम भाइयों से और तमाम मेरी माँ और बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ और खासतौर से हमारे BC कॉर्पोरेशन के जो ऑफिसर थे उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जो BC कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर साहब हो या स्पेशल ऑफिसर, तो उनकी तमाम टीम को शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर आए हुए तमाम मेरे BC का फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।